तो वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 11C का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको ध्यान से समझना है, ये अक्सर कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये 11C का क्वेश्चन नंबर 10 है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए इसकी पहले स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट बहुत ध्यान से समझने वाली है, तो आपने फोकस अपना रखना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, थ्री ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एन एन साइडेड पॉलीगॉन आर 50 डिग्री ईच। तो मैं यहाँ तक अभी स्टेटमेंट एलेबोरेट कर देता हूँ। हमें कहा गया है कि तीन एक्सटीरियर एंगल जो हैं किसी भी एन साइडेड पॉलीगॉन, एन साइडेड पॉलीगॉन का मतलब है अभी हमें नहीं पता इसकी कितनी साइड्स हैं, शायद 5 हों, शायद 6 हों, शायद 7 हों, अभी हमें कुछ नहीं पता। ये जनरली एन लिखा हुआ है, एन पे कोई भी वैल्यू आ सकती है, यही एन की वैल्यू बेसिकली हमने निकाल कर भी दिखानी है। तो एक पॉलीगॉन है जो कि एन साइडेड पॉलीगॉन है, क्योंकि अभी हमें इसकी साइड्स नहीं पता, उसके तीन एक्सटीरियर एंगल्स बताए गए हैं और हर एक्सटीरियर एंगल कितना है 50, यानी वो जो तीन एक्सटीरियर एंगल बताए गए हैं वो कितने हैं 50 डिग्री ईच, यानी एक एक्सटीरियर एंगल 50 डिग्री का बनता है। तो ये ऑब्वियस बात है, तीन कितने के बनेंगे, 50 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 150 डिग्री के पास जो है आपके पास बन जाएंगे तीन एक्सटीरियर एंगल। ये अभी हम क्वेश्चन में भी देखेंगे, फिलहाल आपके लिए इतना जानना काफ़ी है कि तीन एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है और हर एक्सटीरियर एंगल का जो साइज़ है वो कितना है 50 डिग्री। टू ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स आर 127 डिग्री एंड 135 डिग्री। जिस तरह तीन एक्सटीरियर एंगल गिवन है, इसी तरीके से दो इंटीरियर एंगल भी गिवन है। एक्सटीरियर है वो एंगल जो आपके पास जो भी पॉलीगॉन होगा उसके आउटसाइड बनेगा, इंटीरियर वो एंगल है जो पॉलीगॉन के इनसाइड बनेगा। तो जो तीन एक्सटीरियर एंगल दिए हुए हैं उनमें से हर एंगल जो है 50 डिग्री का है, जबकि दो एक्सटीरियर एंगल दिए इंटीरियर दिए हुए हैं वो कितने कितने हैं, वो है 127 और 135। इसका मतलब पाँच एंगल्स हमें टोटल दिए हुए हैं जिसमें से तीन एक्सटीरियर हैं और दो जो हैं वो इंटीरियर हैं। तो इंटीरियर कौन कौन से हैं, वो है 127 और 135, और एक्सटीरियर एंगल जो है हर एंगल जो है वो 50 डिग्री का है। तो थ्री एंगल्स टोटल कितने के बन जाएंगे, 50 प्लस 50 प्लस 50, यानी तीन मरतबा 50 को ऐड करना पड़ेगा जो कि बनेंगे 150। तो यहाँ तक अभी तक डाटा हो गया। एंड द रिमेनिंग इंटीरियर एंगल्स आर 173 डिग्री ईच। तो दो इंटीरियर एंगल तो बता दिए हैं और बाकियों के बारे में बस इतनी इन्फॉर्मेशन बता दी है कि जो बचते हैं, एंड द रिमेनिंग का मतलब है जो बचते हैं वो इंटीरियर एंगल्स कितने हैं, वो है 173 डिग्री ईच। यानी जो इंटीरियर एंगल्स बच जाएंगे उनमें जितने भी बचे होंगे वो एक एंगल कितने डिग्री का होगा, वो होगा 173 डिग्री का। तो इस पूरे क्वेश्चन में अभी तक हमें ये नहीं पता कि टोटल एंगल कितने हैं, ये भी हम पता लगाएंगे और उन्हीं एंगल्स की पता लगाने के बाद ही हम फाइंड कर पाएंगे कि एन की वैल्यू क्या बनती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, तो यही एन की वैल्यू फाइंड करके दिखाएं। ये एन का क्या मतलब होता है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स, यानी बेसिकली नंबर ऑफ साइड ही फाइंड करके दिखानी है। तो एक बार मैं क्वेश्चन को कंक्लूड कर दूं, मुझे पांच एंगल्स टोटल बताए हुए हैं जिसमें से तीन एक्सटीरियर हैं और दो इंटीरियर हैं, और जो बाकी इंटीरियर हैं उनके बारे में बस ये बता दिया गया है कि वो सब के सब 173 डिग्री बनते हैं। वो तादाद में कितने हैं, पांच हैं, छह हैं, एक है, दो हैं, ये नहीं बताया, बस ये बता दिया कि जो बचेंगे वो 173 डिग्री ईच होंगे, यानी एक 173 डिग्री का होगा। तो एन की वैल्यू हमने फाइंड करके दिखानी है। तो आइए हम इसको अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। मैंने इसका डाटा लिख लिया है बोर्ड पे, जिस तरह का क्वेश्चन नंबर 10 है ये उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी होगा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 10 करने लगा हूँ, आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का मैंने यहाँ पे डाटा लिख लिया है जो मैंने भी इलेबोरेट कर दिया है क्वेश्चन के अंदर ही। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन इज 360, ये आपको याद होना चाहिए। इस पूरी एक्सरसाइज में मैंने ये चीज़ डिस्कस की है कि आपके पास एक्सटीरियर एंगल का सम कोई भी पॉलीगॉन आ जाए, कितनी ही साइडेड पॉलीगॉन हो, उसका हमेशा एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री। यानी वो तमाम एंगल जो पॉलीगॉन के आउटसाइड बन रहे होंगे, जिनको एक्सटीरियर बोल रहे होते हैं, उन सबको सम करेंगे तो हमेशा 360 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इस क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा इस एन की वैल्यू निकालने में, ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए। इसके अलावा ये डाटा बता चुका हूँ कि जो एक्सटीरियर एंगल है टोटल वो कितने हैं, तीन एक्सटीरियर एंगल बताए हुए हैं, दो इंटीरियर बताए हुए हैं। जो एक्सटीरियर बताए हुए हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताई हुई है कि हर एक्सटीरियर एंगल 50 डिग्री का है। तो अगर तीन एक्सटीरियर एंगल हुए और एक 50 डिग्री का हुआ तो तीन कितने के होंगे, तो ये हो जाएंगे बेसिकली 3 मल्टीप्लाई बाय 50। जाहिर बात है ना, आप इसको इस चीज़ को ऐसे समझ लें, लेट से एक चॉकलेट 5 रुपीज़ की है और आपसे कहा जाए ये तीन चॉकलेट हैं, तो तीन चॉकलेट कितनी रुपीज़ की होंगी, तो आप 3 को 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी आप कहेंगे अगर एक चॉकलेट 5 रुपीज़ की है तो 3 चॉकलेट्स होंगी 3 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 15 रुपीज़ की। इसी तरीके से अगर एक एक्सटीरियर एंगल 50 डिग्री के इक्वल है तो आपसे पूछा जा रहा है तीन एक्सटीरियर एंगल कितने होंगे, किसके इक्वल बनेंगे, तो आपने जस्ट 3 को क्या मल्टीप्लाई कर देना है 50 से। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाय 50, ब्रैकेट्स का मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि मैं सारे एक्सटीरियर एंगल को जमा करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी हुई है कि एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 के इक्वल आना चाहिए, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जितने भी एंगल्स हैं इन सब के एक्सटीरियर एंगल निकाल लूँ, उनको यहाँ पर ऐड करके लिखूँ और किसके इक्वल रख दूँ 360 के, क्योंकि मुझे पता है सारे एक्सटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होता है 360 के। इसकी मदद से मैं एन साइडेड पॉलीगॉन में ये जो एन है ये निकाल पाऊंगा। तो अभी तक जो मैं एक्सटीरियर एंगल पहले से दिए हुए हैं तो वो तो बहुत आसानी से मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब प्रॉब्लम यहाँ पर बनेगा कि ये एंगल्स तो इंटीरियर हैं, ये मैंने आपको कहा है आपने जो यहाँ पे एंगल्स लिखने हैं वो सब के सब एक्सटीरियर होने चाहिए। तो तीन तो एक्सटीरियर थे वो मैंने यहाँ पे लिख लिए 3×50, तो ये तो इंटीरियर एंगल्स है, तो आपको पहले इन इंटीरियर एंगल्स को एक्सटीरियर एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी ये जो दो इंटीरियर एंगल दिए हुए हैं, एक इंटीरियर एंगल ये दिया हुआ है और एक ही इंटीरियर एंगल ये दिया हुआ है, तो इन दोनों इंटीरियर को पहले एक्सटीरियर बनाना पड़ेगा, तब आप इस ऑप्शन के थ्रू, इस रिजल्ट के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो याद रखें सारे एंगल्स एक्सटीरियर होने चाहिए जिनको आप यहाँ पे सम में लिखने लगे। तो इन इंटीरियर को एक्सटीरियर किस तरह बनाऊं, ये मैंने तरीका पहले भी बता दिया है, लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है कि जब भी इंटीरियर एंगल आए पॉलीगॉन का और आपने इसका एक्सटीरियर एंगल बनाना हो या एक्सटीरियर एंगल निकालना हो, आपके पास जो भी वैल्यूज लिखी होती हैं आप इसको 180 में से माइनस करवा दें। तो यहां पे लिखा हुआ है कि ये इंटीरियर एंगल 127 डिग्री है, तो इस इंटीरियर का एक्सटीरियर जब मैं निकालना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसको 180 में से क्या करा दूंगा, माइनस। तो मैं यहां पर लिखूंगा इस एक्सटीरियर एंगल में प्लस कर दें क्या इसका एक्सटीरियर एंगल, तो इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा वो निकालने का तरीका बता ही दिया है कि जो भी वैल्यू लिखी होती है यानी 127 उसको आपने हमेशा किस में से माइनस करवा देना है, 180 में से। तो इसका एक्सटीरियर तो ये आ गया, ये पूरा सॉल्व होकर एक वैल्यू आ जाएगी यानी एक आ गया। इसी तरीके से इसका भी एक्सटीरियर निकालें तो इसका एक्सटीरियर भी किस तरह निकलेगा, जाहिर बात है इसको भी 180 में से माइनस करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर लिखें ऐड, इसको भी 180 में से माइनस कर दें यानी 180 माइनस 135। तो आप देखें मैंने यहाँ पे सारे एक्सटीरियर लिखे हैं, ये भी पहले तीन एक्सटीरियर एंगल थे जो कि 3×50 के इक्वल बनते थे यानी 150 बन जाएंगे अगले स्टेप में, ये भी यहाँ पे लिख दिया। ये दोनों इंटीरियर थे, इन दोनों को एक्सटीरियर में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि कैसे कन्वर्ट किया है, जो भी इंटीरियर होगा उसको 180 में से माइनस कर दें तो वो एक्सटीरियर बन जाएगा, जो भी इंटीरियर होगा उसको 180 में से माइनस करें वो एक्सटीरियर बन जाएगा। अब मसला रह गया कि यहाँ तक तो बात हो गई, उन्होंने क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ था कि जो रिमेनिंग है, जो आपके पास रिमेनिंग इंटीरियर एंगल्स हैं, ये भी क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, वो कितने बनते हैं, वो बनते हैं 173 डिग्री ईच का मतलब है एक 173 डिग्री का है। अब ये नहीं पता कितने हैं, तो ये भी कौन से एंगल्स हैं, इंटीरियर, तो इनको भी यहाँ पे लिखने के लिए मुझे 180 में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी इंटीरियर एंगल बताए हुए हैं, इनको भी एक्सटीरियर बनाने के लिए 180 में से क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आपने ध्यान से देखना है, मैं लिखूंगा 180 माइनस 173, यानी जो भी आपके पास इंटीरियर एंगल बाकी बच गए हैं उसको भी 180 में से, क्योंकि वो सब के सब 173 हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 180 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 173, ताकि वो एक्सटीरियर बन जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक वैल्यू आनी है, क्योंकि हमें नहीं पता वो कितने हैं। जिस तरह आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर बताया गया था तीन एक्सटीरियर एंगल हैं और हर एंगल 50 का है, तो यहाँ पे क्या चीज़ आई हुई है, जो जितनी उनकी तादाद थी वो यहाँ बाहर पे लिखी है, बाहर लिखी हुई है, और ईच की जो आपके पास वैल्यू थी वो ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई है। तो इसी तरीके से इसके बारे में कि जो बाकी बच गए हैं इंटीरियर एंगल्स वो इतने बनते हैं, तो इनका एक्सटीरियर का जो कन्वर्ट करने के बाद जो मैंने चीज़ लिखी हुई है वो तो लिख दी है, लेकिन यहाँ पे भी एक चीज़ आनी चाहिए, वो है इनकी तादाद, कि कितने हैं ये टोटल, वो कैसे निकालें। तो आप देखें इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, लेट्स से आपके पास टोटल एन चीज़ें हैं, टोटल 10 चीज़ें हैं, लेट्स से आपके पास टोटल 10 बुक्स हैं और आपने उसमें से 5 यूज़ कर ली, तो अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल 10 आपके पास चीज़ें थी और टोटल 10 बुक्स थी आप कह लें और आपने उसमें से 5 जो है यूज़ कर ली हैं तो या पढ़ ली हैं, तो कितनी बची, तो आप क्या करेंगे 10 में से 5 को क्या कर देंगे, माइनस, तो आप कहेंगे मेरे पास सिर्फ 5 बुक्स की चॉइस बची है। इसी तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन में देखें कि आपके पास टोटल लेट्स से एन चीज़ें हैं, ठीक है, और उसमें से, या आप कह लें आपके पास टोटल एन एंगल्स हैं, ये आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए, और उसमें से आपने कितनी इस्तेमाल कर ली हैं, एक ये इस्तेमाल कर ली है, एक ये इस्तेमाल कर ली है, एक ये इस्तेमाल कर ली है, ठीक है 3 हो गई, एक इसी तरीके से यहाँ पे आपने इस्तेमाल कर ली है वो कितनी हो गई, 4 हो गई, तो आपके पास कितने एंगल्स टोटल बचते हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि जो टोटल एंगल्स हमने अभी तक यूज़ किए हैं वो कितने बनते हैं, 3 यहाँ पर और 2 यहाँ पे, टोटल 3+2 कितने बन गए, 5, इसका मतलब 5 यूज़ कर लिए तो कितने बचे, टोटल थे n और यूज़ कर लिए 5, तो n माइनस 5,
इसका मतलब जो एंगल्स बचे हुए हैं वो हैं एन में से 5 माइनस कर दें। तो यही चीज़ आपने यहाँ पे लिखकर दिखानी है। आप यहाँ पे लिखेंगे कि 180 माइनस 173 जितने एंगल्स हैं वो कितने हैं, एन माइनस 5। तो मैं यही इक्वेशन एक बार दोबारा एलेबोरेट कर देता हूँ। मेरा टास्क ये था कि मैं यहाँ पे जितने भी एंगल्स लिखूँ वो सब के सब एक्सटीरियर होने चाहिए। तो मुझे 3 एक्सटीरियर एंगल्स तो पहले से बताए हुए थे, वो कितने थे, 50। तो मैंने इनको ज्वाइन करके यहाँ पे लिख लिया, यानी 3 times of 50, क्योंकि एक एक्सटीरियर एंगल बताया गया था 50 का है। तो मुझे यहाँ पे 3 लिखने से बेहतर था मैं उनकी टोटल वैल्यू लिख दूँ। और अगर एक एक्सटीरियर एंगल 50 का है तो 3 कितने के होने चाहिए थे, तो 3 multiplied by 50, इसलिए मैंने उनको जोड़ के यहाँ पे लिख दिया 3 multiplied by 50। दूसरे मेरे पास 2 इंटीरियर एंगल्स बताए हुए थे, एक 127 था और एक 135 था। मैंने आपको कहा था इनको भी आपको एक्सटीरियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और एक्सटीरियर में कन्वर्ट करने के लिए आपको इन दोनों एंगल्स को 180 में से माइनस कराने के बाद यहां पे लिखना है। तो देखिए 127 को भी मैंने 180 में से माइनस करा के यहां पे ऐड किया है, और 135 को भी मैंने 180 में से माइनस कराने के बाद यहां पे ऐड कर दिया। अब मसला ये हुआ कि जो बाकी एंगल्स थे उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन नहीं बताई हुई, बस ये बताया हुआ है कि जितने एंगल बचते हैं, ये नहीं बताया कितने बचे हैं, वो उन सब वो जितने भी इंटीरियर एंगल बचते हैं वो सब के सब 173 डिग्री ईच है, यानी एक इंटीरियर एंगल 173 डिग्री का है। तो इसमें एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि ये भी इंटीरियर एंगल था, तो जब मुझे उसको यहाँ पे प्लस करके लिखना था तो 180 में से माइनस करके लिखना था। वो देखिए वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है 180 डिग्री माइनस 173 डिग्री। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इनके बारे में तो तादाद का पता था, ये दो थे, एक बार ये लिख लिया एक बार यहाँ पे लिख लिया, ये 3 थे तो देखें 3 multiplied by 50 का मतलब ये 3 मरतबा लिखे हुए, तो ये कितने हैं ये नहीं मुझे पता था। तो इसके लिए मैंने आपको ये चीज़ समझाना चाहिए कि आप ये देखें आपका टोटल एंगल कितने हैं, या आप एक तरह का सोच लें टोटल साइड्स कितनी हैं। इन दोनों चीज़ों को आप एक ज़रा जहन में रख के सोचें। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास टोटल n चीज़ें हैं और उसमें से आप 5 इस्तेमाल कर चुके हैं, 3 ये हैं, 3 एंगल ये इस्तेमाल कर लिए हैं, एक ये वाला चौथा और एक ये वाला पाँचवा, 5 एंगल आप एक तरह के इस्तेमाल कर चुके हैं। तो जो बाकी बचते हैं वो कितने होंगे, जाहिर बात है जितने टोटल थे उसमें से 5 निकाल दें, ये बचे हैं बाकी एंगल्स। तो जो बाकी एंगल्स हैं उसके बारे में उन्होंने कहा हुआ है, ये जो बाकी एंगल्स हैं इसमें से एक एंगल इतना बनता है 173 का, जिसको कन्वर्ट करके मैं लिख चुका हूँ यहाँ पे कि एक्सटीरियर में जब कन्वर्ट करूँगा ये कितना बनेगा, 180 माइनस 173। तो अगर एक एंगल इतना बनता है तो जो बाकी बचे हैं वो कितने बनेंगे, जिस तरह एक एंगल 50 का था जो बाकी टोटल थे उसको उससे मल्टीप्लाई किया हुआ था, इसी तरीके से अगर एक एंगल 180 माइनस 173 का बनेगा तो बाकी एंगल्स कितने बचे, एन माइनस 5। तो इसका मतलब इस चीज़ को भी एन माइनस 5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। जिस तरह यहाँ पे एक एंगल को जो बचे हुए हैं या टोटल थे उससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसी तरीके से यहाँ पे एक एंगल को जो बचे हुए हैं यानी जो बच गए हैं यूज़ करने के बाद उससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो वो बचते हैं एन माइनस 5, क्योंकि आप एक तरह के 5 एंगल्स यूज़ कर चुके हैं। इसके अलावा जो एंगल्स बचेंगे वही आपके एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। तो 5 यूज़ कर चुके थे तो बाकी टोटल कितने होने चाहिए थे, एन, तो आप एक तरह का सोच लें एन माइनस 5 यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अब ये मैंने कर दिया है सम, और मैंने अभी ऊपर आपको बताया था एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है किसी पॉलीगॉन का वो कितना होता है, 360। तो ये जितने भी एंगल्स हैं इनका सम, ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं, कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। तो ये वो इक्वेशन थी जो हमें बनानी पड़नी थी जिसकी वजह से एन को फाइंड करना है। अब जस्ट मुझे इनको सॉल्व करना है, तो 350 टाइम्स हो जाएगा 150, फाइंड करना है। अब जस्ट मुझे इनको सॉल्व करना है, तो 350 टाइम्स हो जाएगा 150, तो 180 में से 127 निकालेंगे 53 डिग्री आ जाएगा, 180 में से 135 निकालेंगे 45 आ जाएगा, n माइनस 5 वैसे ही उतारा हुआ है, 180 में से 173 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। बाकी मैंने यहाँ पे 150 में 53 को ऐड किया, उसके बाद उसमें 45 ऐड किया, यानी इन तीनों को ऐड किया तो मेरे पास आंसर आएगा 248। प्लस का साइन वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है n माइनस 5 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 7 से, तो ये नंबर जो है बेसिकली n माइनस 5 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब है जब भी ब्रैकेट्स लगी होंगी और बाहर कोई नंबर आपके पास लिखा हुआ आ जाए तो वो नंबर इन दोनों एंट्रीज से मल्टीप्लाई होगा जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखी होंगी। तो ये 7 n टाइम्स भी होगा और 7 माइनस 5 टाइम्स भी होगा, तो 7 n टाइम्स यहाँ पे लिख दिया है प्लस 7 n, और 7 माइनस 5 टाइम्स 7 5 टाइम्स 35 होता है, यहाँ पे 35 और ये माइनस का साइन वैसे ही आ गया। यहाँ तक करने के बाद ये 360 मैंने एज इट इज़ नोट डाउन कर लिया है। इसके अलावा अब आप देखें ये प्लस 248 है और ये माइनस 35 है, प्लस माइनस माइनस, 248 में से आप 35 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 213 यानी 213, और साइन बड़ी वैल्यू को आएगा, 248 बड़ी वैल्यू है, इसके पीछे प्लस का साइन है, इसलिए यहाँ पे 213 के पीछे प्लस का साइन लगा हुआ है, और 7n ऐसे ही मैंने उतारा हुआ है।
360 दोबारा से यहाँ पे वैसे ही उतारा हुआ है। अब आप देख सकते हैं ये 213 पॉजिटिव के साथ है, जब आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे ये नेगेटिव हो जाएगा, या आप ऐसे कह लें इक्वेशन के दोनों तरफ 213 से माइनस करवा दें तो भी आपको ये चीज़ मिलेगी। तो मैंने ये प्लस को उस तरफ मूव कर लिया है तो कितना हो गया -213 और 7n वैसे ही यहाँ पर उतारा हुआ है। 360 में से 213 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 147 डिग्री और यहाँ पर जस्ट बचेगा 7n। 7n का मतलब है 7n से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 7 को यहाँ से हटाऊंगा तो मुझे यहाँ पे इसको लेके आना पड़ेगा डिवाइड के तौर पे, यानी 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वेशन के दूसरे साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। आप दोनों तरफ पे 7 से डिवाइड करवा लें तो भी मीनिंग सेम है। तो अगले स्टेप पे मैंने यही किया है, जो 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था वो यहाँ के क्या हो गया डिवाइड। तो 147 को जब आप 7 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एन कितना आ रहा है 21। तो ये डिग्री नहीं है बेसिकली, यहाँ पे मैंने गलती से डाल दिए। तो n कितना आ रहा है आपके पास 21। इसका मतलब इसमें जो आपने n फाइंड करके दिखाना था इस क्वेश्चन के अंदर, वो n कितना बनता है, वो बनता है 21। तो ये n साइडेड पॉलीगॉन जो है बेसिकली 21 साइडेड पॉलीगॉन है। तो इस तरीके से ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, इसका आंसर 21 आ गया है। इसी क्वेश्चन को आप यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर 9 भी कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि वो भी अपलोड कर दूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।